हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ, ईवीएस चैप्टर 5, वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। बच्चों, फ्लावर्स किसी भी प्लांट के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। पौधों में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। ज़्यादातर फूल ब्राइट कलर के होते हैं तथा खुशबूदार होते हैं। उनकी शेप तथा साइज अलग अलग होती है। जैसे एक पौधे में अलग तरह के हो सकते हैं, दूसरे पौधे में किसी अलग टाइप के, अलग कलर के, अलग शेप के फूल हो सकते हैं। घास और खरपतवार फूलों में भी ब्राइट कलर तथा खुशबू होती है। उनके फूल भी चमकदार होते हैं तथा उनमें भी खुशबू होती है। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स। बच्चों, फूल कली से खिलते हैं। जब पौधे में फूल लगना होता है तो वहाँ पर पहले एक कली खिलती है। फूल का कलरफुल पार्ट उस कली के अंदर बंद होता है। एंड द बर्ड इज सराउंडेड बाय द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वह कली जिसके जो फूल बनती है बाद में, उसके चारों ओर हरे रंग के पत्ते होते हैं। पत्तों से वो थोड़ी सी ढकी रहती है कली। जैसे वह कली बड़ी होती जाती है तो कलरफुल पार्ट ओपन होता जाता है और वो एक फूल बनता जाता है। जैसे ये एक बर्ड है, इसके नीचे यहाँ पर हरे रंग के पत्ते हैं और ये ऊपर से पूरी बंद है। फिर वो धीरे धीरे फूल में खिलने लगती है और यहाँ पर पूरा फ्लावर बन जाता है। नेक्स्ट इज फ्लॉरिंग एंड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल लगते हैं, विच बियर फ्लावर, आर कॉल्ड फ्लॉरिंग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैरीगोल्ड, लोटस। एंड द नेक्स्ट इज नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल नहीं लगते हैं, उन्हें नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फंगाई, पाइन ट्री, मॉस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फूल के भाग 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टिल। फर्स्ट इज सेपल। पौधे का वह भाग जहाँ पर कली खिलती है, जहाँ पर पहले कली खिलती है, वहाँ पर वह हरे पत्तों से ढकी होती है, जिन्हें सेपल कहा जाता है। सेपल बड को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये फूल खिला हुआ है तो ये पोर्शन, ये सेपल है, ये हरे कलर का पोर्शन सेपल कहलाता है। ये बड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स मींस पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी। पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। नेक्स्ट इज स्टैमन्स। स्टैमन्स फूल का मेल पार्ट होता है। उनके डंठल ऊपर से फूले हुए होते हैं। उनके डंठल, ये स्टैमन है, ये पोर्शन, इनके डंठल ऊपर से फूले हुए होते हैं। फूले हुए भाग पर येलो कलर का पाउडर होता है, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज पिस्टिल। पिस्टिल फूल का फीमेल पार्ट होता है एंड इट इज़ लोकेटेड एज अ थिन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो ये पौधे का फीमेल पार्ट है, ये फूल का फीमेल पार्ट है, पिस्टिल इसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। फूल जो हैं वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फूल ही आगे चलकर कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में।
और फ्रूट और वेजिटेबल्स हैव सीड्स इन साइड देम, उनके अंदर बीज होते हैं और बीज से एक नया पौधा तैयार होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग तरह के फूल अलग अलग सीजन में खिलते हैं और इनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल्स. फर्स्ट इज एनुअल, ऐसे प्लांट जो सीजन में एक ही बार खिलते हैं, जो एक ही बार एक ही सीजन में तक रहते हैं. एनुअल प्लांट्स लिव ओनली फॉर वन सीजन, एक ही सीजन तक वो रहते हैं. देयर फ्लावर्स आल्सो ब्लूम ओनली वंस इन अ सिंगल सीजन, जैसे मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल हुए. नेक्स्ट इज बाइनियल, बाइनियल प्लांट्स लिव फॉर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स तक रहते हैं. सेकेंड ईयर में इनके फूल लगते हैं इनमें और उनमें बीज आते हैं, तो ये 2 ईयर्स तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंटरबेरी बेल्स एंड फॉरगेट मी नॉट. नेक्स्ट इज पेरेनियल्स, ऐसे प्लांट्स विच लिव मोर देन 2 ईयर्स, जो 2 ईयर्स से ज़्यादा रहते हैं. दे ब्लूम एवरी ईयर, हर ईयर वो खिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाइसी. नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ फ्लावर्स, वी ईट फ्लावर्स लाइक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर एज अ फूड. एंड नेक्स्ट इज वी मेक कलर फ्रॉम द फ्लावर्स, रंगों को फूलों से बनाया जाता है. नेक्स्ट इज रोज़ की जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स ऑफ द रोज आर यूज टू मेक रोज़ वाटर एंड गुलकंद, गुलकंद बनाने के लिए भी रोज़ की पेटल्स का यूज़ किया जाता है. और कुछ पौधे के फूलों को परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है. फूलों को गॉड के लिए चढ़ाया जाता है. फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू गॉड इन टेम्पल्स, और जैसे फंक्शंस होते हैं तो रिलेटिव्स को भी या आपके घर में जो गेस्ट आते हैं उनको भी फ्लावर्स दिए जाते हैं, उनका वेलकम भी फ्लावर से किया जाता है. और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो रंगोली बनाने के काम आते हैं, डेकोरेशन का काम वो करते हैं. फेस्टिवल्स में रंगोली जब हम बनाते हैं तब भी फूलों का यूज़ किया जाता है. हाउ फ्लावर्स रीच टू अस, नेक्स्ट इज हाउ फ्लावर्स रीच टू अस. फ्लावर्स आर ब्राउट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड सम फ्लावर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, कुछ प्लांट्स को फूलों को दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता है. दीज फ्लावर्स आर ब्राउट टू द होल सेल मार्केट, होल सेल में इनको खरीद लिया जाता है. द फ्लोरिस्ट बाय फ्लावर्स फ्रॉम हेयर, जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो इनसे फूल खरीदते हैं एंड सेल दैम टू अस, और हमें फिर वो बेचते हैं. दैट्स ऑल, थैंक यू.